हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पल्सर के मीटर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ये आपको मीटर असेंबली का प्राइस भी दिखाने वाला हूँ और मीटर भी दिखाने वाला हूँ। मीटर तो मैंने बाइक में इंस्टॉल कर दिया है, पर जो ओल्ड मीटर है वो आपको दिखाने वाला हूँ। पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। ये इसका मीटर, पहले आपको बॉक्स दिखा देता हूँ। एक मिनट, पहले आपको बॉक्स दिखा देता हूँ। ये ऐसा कुछ बॉक्स है इसका। ये BS3 का मीटर है। आपको विंड नॉइस आ रहा होगा तो थोड़ा उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप हवा बहुत चल रही है। ऐसा कुछ मीटर है, ये BS3 का मीटर है। UG4, और एक भाई का कमेंट आया था कि UG5 का मीटर UG4 में लगा सकते हैं, तो नहीं लगा सकते। मैं आपको अभी तक बता देता हूँ अभी क्यों नहीं लगा सकते। पहले आपको दिखा देता हूँ यह मीटर, प्राइस आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मीटर दिखा देता हूँ आपको। ऐसा बबल रैप में आता है वो, मैंने अभी ये पुराना मीटर है, न्यू मीटर मैंने बाइक में इंस्टॉल कर दिया है, ख़राब हो गया इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। नए मीटर का भी डाल दूंगा इसमें वीडियो, ठीक है। ये ऐसा कुछ मीटर है, इसमें मैंने ये चेंज किया हुआ है। मीटर का आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ ये है, और ये किसने बनाया है वो भी दिखा देता हूँ। ये ओल्ड मॉडल वाला है, तो ये प्रिकॉल कंपनी ने बनाया है। न्यू मॉडल का आपको वेरॉक का ही मिलेगा 100%। आप कोई भी बाइक ले जाओ, पल्सर 151 25 220, जो भी मीटर, पल्सर NS RS 200, सबका मीटर अभी वेरॉकी कंपनी बनाती है। ये अभी प्रिकॉल का है, इसमें ये 2010 मॉडल का मीटर है, इसलिए प्रिकॉल कंपनी बनाती थी, अभी वेरॉक को मिल गया है वो सिस्टम। और ये इसके वायर, और BS4 में क्यों नहीं लग सकते, क्योंकि इसके कपलर इसमें तीन है। एक वो अपना मीटर रीडिंग का है जिसमें नंबर दिखता है जो व्हील में लगा होता है, और इसके बाकी सब ये है। इसमें BCU वाला मॉडल है ना, इसमें इसलिए नहीं लग सकता है BS3 में। और इस जो नए वाले मॉडल हैं इसमें दो ही कपलर दिए हुए हैं, वाइट कलर के और येलो कलर का, ऐसा कुछ कपलर दिया हुआ है। ये BCU वाला मॉडल है इसमें, इसलिए नहीं लग पाएगा, ऐसा कुछ है। यहाँ पे साइज 10 का ऑप्शन है। ये BS3 वाला है, UG4 BCU वाला है ये। अभी के मॉडल में यहाँ पे बैटरी का आइकॉन आता है, साइज 10 का अंदर आता है, और ये भी चेंज है अभी के इसमें। तो ये है BS3 का मीटर, और वेरॉक कंपनी का ही बनाती है। वेरॉक का कोई ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ जस्ट आपको। ये ऐसा कुछ है, और ये इसका ग्लास भी वेरॉक कंपनी का ही है, और ये भी वेरॉक कंपनी का ही है, ठीक है। इसको रखता हूँ साइड में, पहले आपको दिखा देता हूँ फिर से मीटर, क्लोज़र लुक दे देता हूँ आपको, क्लियर करके दिखा देता हूँ आपको। ये ऐसा कुछ है, और इसमें आप कवर, आपको अगर इसमें जो डैशबोर्ड है, अगर ओल्ड मॉडल में आपको कार्बन फाइबर वाला डैशबोर्ड लगाने का है तो आराम से लग जाएगा। उसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी सब बंद है यहाँ पे। उसके नहीं कि ऐसा पट्टी रहती है कार्बन फाइबर वाली, उसका भी वीडियो बना, क्योंकि मेरा वो कपलर टूट गया है उसका साइड का, तो सोचा पूरा डैशबोर्ड ही वो चेंज कर दूंगा। कुछ 100 रुपीज़ के आसपास आता है, 100 130 के आसपास, तो देखूंगा बाद में कितने का आता है। ऐसा कुछ है, ये ख़राब हो गया इसलिए आपको दिखाता हूँ। न्यू मीटर का भी मैं वीडियो डाल दूंगा उसमें, ठीक है। इसको रखता हूँ साइड में, अभी आपको प्राइस दिखा देता हूँ आपको। मॉडल नंबर पहले दिखा देता हूँ आपको, इसका मॉडल नंबर है DH191056। ये UG3 मॉडल का है, BS3 UG4 मॉडल का है, और इसका प्राइस है 2982 रुपये, ठीक है, 2980 इसका। और 2018 का है, पैकिंग है, ठीक है। और जनवरी मैंने सब खरूच के देख लिया था कि जनवरी क्या नहीं करके। ऐसा कुछ है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसी मॉडिफिकेशन एंड टिप एंड ट्रिक एंड रिव्यू रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू।